अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजीनियर राबिया फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकमेंटोर। आज मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ कि अगर किसी भी शख्स को करंट लग जाता है तो आप उसे किस तरह से फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट दे के उसकी जान बचा सकते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा फार्मूला लाई हूँ, उस फार्मूले पे अमल करते हुए आप किसी भी शख्स की जान इजीली बचा सकते हैं। वो फार्मूला है डॉक्टर्स एबीसी, DRS ABC, डॉक्टर्स एबीसी। इन 6 अल्फाज पे मुश्तमिल फार्मूले पे अमल करते हुए आप किसी भी अफेक्टेड पर्सन को जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, या आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ किसी को भी करंट लगा हुआ है, तो आप उसको उसकी जान को इजीली कैसे बचा सकते हैं। डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर शाउट, एंड ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। अब जाते हैं इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले आपने चेक करना है फार्मूले के डी को, डी फॉर डेंजर। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो अफेक्टेड पर्सन को करंट लगा हुआ है, किस चीज़ से करंट लगा हुआ है, मतलब सोर्स क्या है, करंट लगने का सोर्स क्या है, उससे किस चीज़ से करंट लगा हुआ है। सबसे पहले आपने उस सोर्स से उस अफेक्टेड पर्सन को अलग करना है, अपने आप को महफूज रखते हुए। नाउ आर, आर फॉर रिस्पॉन्स, अब आपने उस अफेक्टेड पर्सन के पास जाना है और उससे बात करने की कोशिश करनी है, उसे मुखातिब करने की कोशिश करनी है। आर यू ऑल राइट, आर यू ओके। अगर वो रिस्पॉन्स देता है, उसकी तरफ से किसी किस्म का भी रिस्पॉन्स आता है, तो वेल एंड गुड, मतलब वो ख़तरे से बाहर है। अगर किसी किस्म का वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आपने फार्मूले के नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कर जाना है। नेक्स्ट जो है आपने मूव करना है एस, एस फॉर शाउट, आपने शाउट फॉर हेल्प, आपने हेल्प के लिए पुकारना है। किसी भी पर्सन का आपने पॉइंट करना है कि एम्बुलेंस को बुलाएं, डॉक्टर्स को बुलाएं, कॉल करें। नाउ जब तक किसी भी पर्सन को आप पॉइंट आउट करेंगे कि भी आप एम्बुलेंस को बुलाएं, डॉक्टर्स को बुलाएं, तब तक आपने वेट नहीं करना, आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने अपने बिहाफ पे उस पर्सन की, अफेक्टेड पर्सन की जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। नाउ उस फार्मूले के ए की तरफ जाते हैं, ए फॉर एयरवेज, आपने अफेक्टेड पर्सन को जो है ज़मीन पे सीधा लिटा देना है और उसकी बॉडी को इस तरह से लिटाना है कि उसके हेड की जो पोजीशन है आपने इस तरह से रखनी है और उसके मुंह को आपने चेक करना है। किसी किस्म की जैसे कुछ लोगों को आदत होती है छालियाँ खाने की, या सिपारी खाने की, या इस तरह से पान वगैरह खाने की, तो वो देखना है कि उसके मुंह में किसी किस्म का कोई मटेरियल ना हो और जो है हवा उसके मुंह की तरफ इजीली ट्रांसफ़र हो सके। नाउ हमने फार्मूले के बी की तरफ जाना है, बी फॉर ब्रीथिंग, हमने उस पर्सन को देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो सांसें ले रहा है तो वेल एंड गुड, ख़तरे से बाहर है, ख़तरे वाली बात नहीं है। अगर वो सांस नहीं ले रहा तो हमने जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी, हमने फार्मूले के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है जो कि सी, सी फॉर सर्कुलेशन। हमने ये चेक, उसकी नब्ज़ को चेक करना है, ये देखना है कि उसकी सांसें, उसकी जो है नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही। एट दी एंड हमने ये कंक्लूजन करना है कि अगर इस फार्मूले के तहत किसी की भी हम जान बचा सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी किस्म का भी अफेक्टेड पर्सन जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है CPR ट्रीटमेंट। CPR ट्रीटमेंट जो है एक किस्म की कंप्रेशन ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट में हमने पेशेंट को ये करना है कि सीधा ज़मीन पर लिटा देना है और उसकी जो चेस्ट है उसके सेंटर में अपने हाथ की जो ये वाला पोर्शन है, जो हथेली है, दोनों हाथों से इस तरह से ज़ोर ज़ोर से उसको जो है कंप्रेस करना है और फुल अपनी बॉडी का ज़ोर लगाना है, इस तरह से कंप्रेस करना है कि 30 टाइम्स आप लोगों ने उस अपनी जो है हाथ की हथेली से अफेक्टेड पर्सन की जो चेस्ट का सेंटर वाला पार्ट है उसको ज़ोर ज़ोर से कंप्रेस करना है। 30 टाइम्स कंप्रेस करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और 2 टाइम्स उसके माउथ में जो है अपने मुँह से हवा देनी है, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी है उसको। फिर 2 टाइम्स ऑक्सीजन देने के बाद फिर नेक्स्ट आपने यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है, यही उसकी जो है छाती को, उसकी चेस्ट को जो है आपने 30 टाइम्स दोबारा कंप्रेस करना है। फिर 30 टाइम कंप्रेस करने के बाद 2 टाइम्स आप लोगों ने उसको जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी है और ये प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक उस अफेक्टेड पर्सन की सांसें बहाल नहीं हो जाती, उसकी जो है वो ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं कर देता। इस छोटे से फार्मूले से हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी की भी इस छोटे से फार्मूले पे
عمل کرتے ہوئے ہم کسی بھی شخص کی جان بچا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور مجھے اس چیز سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ تو تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔